नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गर्मियों के मौसम में सोराइसिस पेशेंट्स कैसे अपने हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। इतना आप सभी को पता है, गर्मियों के मौसम में सोराइसिस पेशेंट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग काम रहता है स्वेटिंग। उन्हें स्वेटिंग को अवॉइड करना होता है, क्योंकि अगर उन्हें अपना हाइजीन मेंटेन रखना है तो उन्हें अपनी स्वेटिंग को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। क्योंकि जब भी सोराइसिस पेशेंट स्वेटिंग को फेस करते हैं तो उनके जो सोराइसिस पैचेस होते हैं उन पे आपका स्वेट टच कर जाता है, आपका पसीना टच कर जाता है, और उस टाइम आपके पसीने से आपके बैड टॉक्सिन्स और सभी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहे होते हैं। और जब ये वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स आपके सोराइसिस पैचेस को टच करते हैं तो सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है। तो ऐसे में आपके लिए हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को स्वेटिंग से बचाना बहुत ज़रूरी है। अब स्वेटिंग से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो स्वेटिंग से बचने के लिए आप एक ऐसे कंपनी में रहें जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हवा मिले, 4-5 विंडोज़ हों, ऐसे कमरा चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एसी में भी बैठते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप लंबे समय तक जब एसी में बैठते हैं तो आपको ड्राइनेस हो जाती है। तो ऐसे में या तो आप अपने पानी के इनटेक को बढ़ा दें या फिर आप मॉइस्चराइज़र की हेल्प से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, उसे ड्राई ना होने दें। मॉइस्चराइज़र की बात करें तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अगर अप्लाई करते हैं तो उनमें केमिकल्स की अमाउंट ना हो। आप नेचुरल बेस्ड मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे घी का रस है आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, नारियल का तेल है आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है और साथ ही आपको इसकी वजह से कोई रिएक्शन भी नहीं होता। इस तरीके से आप अपनी स्वेटिंग की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। वहीं दूसरी बात का जो सोराइसिस पेशेंट को खास ध्यान रखना है गर्मियों के मौसम में, वो है कि उन्हें दिन में कम से कम 2 बार नहाना है। अब 2 बार क्यों नहाना है? क्योंकि जब भी सोराइसिस पेशेंट स्वेटिंग फेस करते हैं या कोई भी बैड टॉक्सिन्स फेस करते हैं, या अगर वो कोई भी ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं, जेल्स लगा रहे हैं, या नेचुरल रेमेडीज़ जैसे कि अभी मैंने बताया नारियल तेल या घी का रस भी अप्लाई करते हैं, और उसके बाद अगर वो 2 बार नहा लेते हैं दिन में, तो क्या होता है उनका भी जो रिएक्शन होना होता है बॉडी में, जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल भी हो जाती है और जो बैड रिएक्शन होना होता है वो रुक जाता है। क्योंकि आप अपनी बॉडी को साफ कर लेते हैं और जो भी स्वेटिंग आपको हुई होती है वो आपके सोराइसिस को एग्रीवेट नहीं कर पाती, क्योंकि आपने उस स्वेटिंग को साफ कर लिया है। और वहीं एक चीज का और खास ध्यान रख सकते हैं, आप जब भी आपको सोराइसिस पैचेस में स्वेटिंग की प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप वेट टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं या वेट टिश्यूज आते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका पसीना आपके पैचेस को टच कर रहा है आप उसकी मदद से उसे साफ कर सकते हैं। आप इन बातों का खास ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे आपका सोराइसिस गर्मियों में एग्रीवेट नहीं होगा। वहीं एक बात का खास ध्यान और रखना है आपको, वो है कि गर्मियों के मौसम में आप सनलाइट बाथ ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में ही। कुछ सोराइसिस पेशेंट्स को इस बारे में पता ही नहीं होगा कि सनलाइट बाथ भी उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो मैं आपको बता दूं, गर्मियों के मौसम में जब आप सनलाइट बाथ लेते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आपको सन से मिलती हैं वो आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को बढ़ा देती हैं। जब आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम बढ़ जाता है तो इसकी मदद से जो आपकी डेड स्किन सेल्स हैं वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं और आपका जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। जो इचिंगनेस आप महसूस कर रहे हैं उसमें भी आपको आराम मिलता है। लेकिन आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप मॉर्निंग में 5 to 6 AM या 6 to 7 AM इस ड्यूरेशन के बीच ही सन बाथ ले सकते हैं। इससे ज़्यादा समय के बाद अगर आप सन बाथ लेते हैं तो ये आपके लिए डेंजर हो सकता है, क्योंकि उस समय अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी हाई अमाउंट में मिलती हैं जो आपके स्किन सेल्स के लिए अच्छी नहीं है। और जब भी आप सन बाथ लेते हैं तो आप अपने सोराइसिस पैचेस वाले हिस्से को छोड़कर पूरी बॉडी में सन स्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपकी दूसरी स्किन पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। वहीं हाइजीन की बात करें तो जब आपको अपनी बॉडी को बाहर से सुरक्षित रखना है तो आपको अपनी बॉडी को अंदर से भी सुरक्षित रखना है, अंदर से भी साफ रखना है। तो ऐसे में आप अच्छी अमाउंट में पानी पिएं, कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर पानी पिएं ताकि आपकी किडनी जो भी आपके शरीर में बैड टॉक्सिन्स हैं उन्हें आपकी बॉडी से बाहर निकाल दे। और वहीं
आपको खाना भी कुछ इस तरीके से ही खाना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, ताकि आपके शरीर में कोई गंदगी ना बने। क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या बहुत मसालों वाला खाना खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। और जब आपकी बॉडी हाइजीन नहीं होगी, साफ़ नहीं होगी, तो आप देखेंगे आपका सोराइसिस एग्रीवेट होगा। तो ऐसे में आप कोई भी गर्म सब्जी या गर्म फल ना खाएं। गर्म सब्जी से मेरा मतलब है जिनकी तासीर गर्म है। ऐसा नहीं है कि आप गर्म खाना नहीं खा सकते, आप गर्म खाना खा सकते हैं, लेकिन जिस भी सब्जी की तासीर गर्म है आप उस सब्जी को अवॉइड करें, और जिस भी फल की तासीर गर्म है आप उस फल को अवॉइड करें। और कोई भी ऐसी चीज़ खाने की जिसको आप खाते हैं जो गर्म होती है बाय नेचर, तो आपको उन सभी फलों को, उन सभी सब्जियों को, उन सभी खानों को बिल्कुल अवॉइड करना होगा। जैसे अभी मैंने आपको मसाले बताए, मसाले गर्म होते हैं तो आपको मसालों को भी काफ़ी अवॉइड करना होगा, और अपनी बॉडी को अंदर से साफ रखना होगा। साथ ही अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं जिससे आप अपने हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बाथटब में हल्का गुनगुना और हल्का ठंडा पानी, ना तो ज़्यादा गर्म हो पानी और ना ही ज़्यादा ठंडा हो पानी, ऐसे पानी को लें और उसमें एप्सम सॉल्ट यानी सेंधा नमक मिला दें, और उस पानी में आप कम से कम 15 मिनट के लिए बैठ जाइए, और आप देखेंगे जो उनकी डेड स्किन सेल्स हैं फ्लेक्स के रूप में बाहर आ जाएंगे, और आपका जो सोराइसिस रेड पैचेज हैं उसमें जो इचिंगनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप ये सारी बातें गर्मियों में फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका सोराइसिस एग्रीवेट नहीं होगा, आपको सोराइसिस में आराम मिलेगा। अगर आप एक सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने सोराइसिस पैचेस की फ़ोटोज़ क्लिक कर हमारी टीम को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारी टीम के डॉक्टर्स खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको आपके अकॉर्डिंगली एक सही ट्रीटमेंट देंगे जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।